मेरी फसल मेरा मेरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा की साइट पर जो आपने अपनी फसल ऑनलाइन की थी रवि फसल, चाहे वो गेहूं की हो, सरसों की हो या कोई और अन्य फसल आपने ऑनलाइन कर रखी है, उसकी वेरिफिकेशन होनी शुरू हो चुकी है और अब पोर्टल पर ऐड होनी शुरू हो गई है। चलिए सीखते हैं कि आप अपनी फसल का स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं कि जो फसल आपने ऑनलाइन जिस खसरा नंबर या जिस खेत में की थी वही पास हुई है या कोई अन्य फसल पास कर दी गई है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फसल हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है fasal.haryana.gov.in मेरी फसल मेरा मेरा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और किसान अनुवाद क्लिक करने पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं हरियाणा के किसान के नीचे आप पंजीकरण प्रिंट हरियाणा क्लिक करें, इसके क्लिक करने पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर फसल ऋतु में आपको किसान भाइयों यहाँ पर रवि 2020 का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रवि 2022 की फसल है उसका कोई भी स्पेशल ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो प्रिंट है वो रवि 2020 के ऑप्शन से प्रिंट हो रहा है जो आपने अब सरसों और गेहूं की फसल पंजीकरण कर रखी है मेरी फसल मेरा मेरा की साइट पर, वो जो प्रिंट है फसल पंजीकरण प्रिंट वो इस ऑप्शन से ओपन होगा। इसलिए अब आपको रवि 2020 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम यहां पर इंग्लिश में लिखना है जो आपका मेरी फसल मेरा मेरा के अंदर है, जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग आपके नाम की है वो पूरी की पूरी यहां पर आपको लिखनी है। लिखने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है मेरी फसल मेरा मेरा यानी जब आपने अपनी फसल ऑनलाइन करवाई थी उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर यहां पर आपको लिखना है, और जो खाता नंबर आपने ऐड करवा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर मंडी में फसल बेचने, जब आप मंडी में फसल बेचेंगे जिस खाते में आपके पैसे आने वाले हैं वो खाता नंबर यहां पर आपको लिखना है और प्रिंट करने पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों एक बार आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों जो आपका फसल पंजीकरण प्रिंट है आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो एंटर्ड फसल है यानी हमने खुद जो फसल ऐड की थी वो बताई थी कि इस खसरा नंबर इस खेत में हमने गेहूं की फसल बो रखी है और यहां पर कितना एरिया था 7 कनाल 8 मरला, और डेट भी आप देख सकते हैं कि ये फसल ऑनलाइन कब की गई थी और किस समय पर हुई थी। और अब जो वेरीफाइड फसल है वो यहां पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड करो, यहां पर गेहूं की फसल ही वेरीफाई की गई है और एरिया भी टोटल वेरीफाई कर दिया गया है और वेरीफाई कब हुई है वो भी डेट आप देख सकते हैं, ये कल वेरीफाई हुई है 23 मार्च को, आज 24 मार्च हो चुकी है, कल 23 मार्च को ये वेरीफाई की गई है और कंप्यूटर में ऐड कब हुई थी टाइम भी आप देख सकते हैं 2:15:53 पर ये कंप्यूटर में वेरीफाई कर दी गई थी, इस समय इस दिन ये वेरीफाई हुई है। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप अपना प्रिंट ओपन करें जो गेहूं और सरसों वाला है यानी रवि 2022 का जो प्रिंट है वो रवि 2020 के ऑप्शन से ओपन होगा, और ओपन करने के बाद जो जो फसल आपने अपनी ऑनलाइन कर रखी होगी वो आप यहां पर आपको दिखेगी जो आपने एंटर की है, और जो वेरीफाई फसल पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन जब की गई या अन्य अधिकारी जिन जिन्होंने वेरिफिकेशन की है वो जब ऐड हुई है ऑनलाइन तो कौन सी फसल उनके द्वारा वेरीफाई की गई है वो आप यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने गेहूं की फसल ऑनलाइन की थी और गेहूं ही की वेरीफाई डिपार्टमेंट ने कर दी है, तो अब जब मंडी में हमारी फसल बिकनी होगी तो हमारी गेहूं की जो फसल है वो मंडी में बिकेगी। टोटल एरिया कितना वेरीफाई हुआ है वो नीचे आपको दिख जाएगा, फिलहाल यहां पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि दोस्तों अभी यहां पर रिकॉर्ड ऐड नहीं किया गया है, यानी वेरीफाइड जो एरिया है उस
उसमें आपको कुछ दिन में यहाँ पर रिकॉर्ड भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है इसलिए जो डिटेल है अभी पूरी तरह से यहाँ पर दिखनी शुरू नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो आपने एरिया ऐड किया था उसके सामने जब आप देखेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। सभी जो खसरा नंबर आपने ऐड किए थे उनमें आप देख लीजिए जिसमें आपने जो फसल फिल की थी अगर वही वेरीफाई हुई है और टोटल आपने जितनी ऑनलाइन की थी वो उतनी ही वेरीफाई हो चुकी है, तो यहां से आप आकलन कर सकते हैं टोटल जो रिकॉर्ड जहां पर दिखता है वो अभी दिखना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन किसान भाइयों अभी वेरिफिकेशन होना शुरू ही हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एक किला है वो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अभी तक ये जो एक किला है इसका ये पांच मरला यहां पर है और सात कनाल 15 मरला यहां पर, यानी ये जो एक टोटल किला है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है और एक दो दिन में सभी की जो फसल है वो वेरीफाई हो जाएगी। किसान भाइयों इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फसल आपने ऑनलाइन की थी वही फसल वेरीफाई हुई है या नहीं, तो इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।